नमस्कार, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित नवीन रंग प्रयोगों के साप्ताहिक प्रदर्शन की श्रृंखला अभिनयन में आप सभी नाट्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। अभिनयन श्रृंखला के अंतर्गत आज खुशबू चौबितकर के निर्देशन में एकजुट नाट्य संस्था भोपाल के कलाकारों द्वारा त्रिकोण का चौथा कोण नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक त्रिकोण का चौथा कोण। Thank you.
मुझे अब भी सुनाई देते बांसुरी के वो मधुर स्वर। क्यों, अरे क्यों मुझे अब भी स्मरण आता उस छली का, जिसने जो प्रेम किया तो सावन की घटा की तरह उमड़ उमड़ कर मेरे पूरे तन मन को भिगो डाला। और आज उसी तन मन को विढ़ा की अग्नि में जला जला कर राख कर रहा है। कान्हा, पूरी कान्हा, कितने जतन किए, कितने जतन किए मैंने बस बस तुम्हारा एक उत्तर पाने के लिए, पर हर बार मेरी करुण पुकार ग्वालियरों की उन कठोर महिला तकरा तकरा कर खाली हाथ वापस लौट आती है। यहाँ सब कहते हैं, यहाँ सब कहते हैं कि तुम अंतर्यामी हो। सच कान्हा, तो क्या तुमने नहीं सुनी होगी राधा क्यों करुण पुकार? निश्चित ही सुनी होगी। चलो जाने दो, मैं ही अपने मन को समझाने का प्रयत्न करती हूँ, मैं ही अपने मन को समझाने का प्रयत्न करती हूँ। क्यों किशोर, है न कितनी अजीब बात, जो कृष्ण अपना बीता कल न स्वीकार कर सका, समय के चक्र ने उसी को दायित्व दिया था आने वाली कल की दिशा निर्धारण करने का। शायद शायद प्यार को सहज रूप से स्वीकार न कर पाने की कमी के कारण ही कृष्ण कृष्ण विनाश के सूत्रधार बने। खैर छोड़, मेरे इस तरह से सोच विचार के कारण तुम पहले ही मुझे फिलॉसफर कहते रहे, किंतु सोचो, अगर मैं इस तरीके से सोच विचार नहीं कर पाती तो क्या तुम्हारे पत्र का जवाब दे पाती? तुम्हारा ये पत्र आया है, इस पत्र में तुमने लिखा है, इस पत्र के माध्यम से तुमने दूसरी दफा मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है। तुम्हारा ये पत्र मुझे खींच कर उन बीते लम्हों में लिए जा रहा है जो हमने साथ बिताए थे, वो हेमा के घर पर हुई हमारी अचानक और पहली मुलाकात। मैंने सही कहा था ना? क्या? उसी के बारे में? अरे तुम्हें पता है? हाँ। वो जो माया बॉस है ना? हाँ। वो दो दिन से तुम्हें याद कर रही है। तुम याद कर रही है यार? दो दिन से ऑफिस नहीं आए तुम। अच्छा, राकी मेरे को याद कर रही है? राकी तुम्हारी पेमेंट काटेगी ना, तब समझ में आएगा। वैसे भी बहुत लस्ती है यार। सुरेश तुम कैसी कैसी बातें करते हो यार, बचपन से ऐसी बात करता हूँ मैं तो। चल ठीक, अरे वो शंका का मैटर था। अरे हेमा वापस क्यों जा रही हो, आओ ना। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर गेस्ट आए हुए। गेस्ट जी? कहाँ है गेस्ट, ये तो मेरा दोस्त है। हेमा, हेमा सुनिए सुनिए, हेमा को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली में मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था, मेरा फोन डेड हो गया, इफ यू डोंट माइंड। करो ना, एक क्या दस फोन करो, आपका ही घर है। ए मेरी जो हो राजा भी अभी तक ने हंसी, मुझे मालूम नहीं और मैं जवाब। ये पुराने गीत भी कितने मिनी फुलवा करते थे ना, है ना, तो वो नहीं लग रहा कंबखट पे, कौन ना हुआ दिल हो गया, जहाँ लगाना होता वहीं नहीं लग रहा, गाँव में लगा दो। हेलो, बुलाया था, इतना नहीं है, रुपया जी आई हुई है। अरे चुप चुप चुप, खबर
मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कम से कम हमारे साथ एक कप चाय तो पीजिएगा। हाँ हाँ दिव्या बैठो ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ वो गवारों की चाय मत बनाना, दो कप पानी में दो बूंद दूध, चल जा चल जा। यार तुम भी ना इंटेलेक्चुअल वर्ड ऐसे बोलते हो जैसे गाली दे। भाई दोनों एक साथ दे। अरे शुक्र मनाइए, आज तो उन्होंने सिर्फ इंटेलेक्चुअल बोला, वरना ये जनाब इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी दोनों एक साथ बोलते हैं। अरे दोनों एक साथ कहने से पावर बढ़ती है ना, पूरे फंसे यार आज, दो दो बुद्धिजीवी आए हुए। चलो आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये है दिव्या जी, खूब पढ़ी लिखी सेल्फ डिपेंडेंट, इतने बड़े शहर में अकेली रहती है। और दिव्या जी ये मेरा दोस्त है किशोर, यही पास में रहता है, मेरे साथ ही जॉब करता है। हेलो। अरे बाप रे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। थैंक यू भाभी। अरे ये क्या हुआ? हाँ क्या? ये निशान कैसा? नहीं कुछ भी तो नहीं। अरे कितना बड़ा निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चोट का निशान हो। देखिए देखिए आप ही देखिए। हाँ भाभी निशान तो काफी बड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी चोट का निशान हो। हाँ शायद वो तो किसी मच्छर ने काट लिया होगा। मच्छर? लगता है मच्छर को जाला ही पड़ा था। ए चाय में चीनी नहीं डाली, चीनी लेके चल। बैठिए ना इंटेलेक्चुअल लोग, आप घबरा जाते हैं जरा जरा सी बात पर। क्या कहते हैं, बर्छी लगी किसी को तड़पे है मियां गालिब, सारे जहां का दर्द भैया अपने जिगर में है। यार सुरेश तुमने ना शेर को गिदड़ कर दिया, अमीर के शेर को गालिब का कर दिया और शेर का भी बैंड बजा दिया। अरे मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो भोपाली कर दूं मैं। रख किससे बात कर रही थी फोन पर दिव्या? एक फ्रेंड से यार, मार्केट जाना था उसके साथ, पर अब वो कह रही है कि उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। क्या अरे पता? जरूर मेरी तरह कोई खानदानी रहा होगा, मना कर दिया तो मना कर दिया, कारण बताना जरूरी तो नहीं है ना। नहीं पर ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई, पूछो इसे माँ से इसकी हिम्मत है उससे कारण पूछे। नहीं आज के जमाने में ये बात कितनी अजीब लगती, आज की नारी एक पढ़ी लिखी समझदार नारी को इस तरह का दबाव सहना पड़ रहा है। अरे उसमें तो खुद निश्चय लेने की क्षमता होनी चाहिए, इनकी सहेली को अगर लगता है उसे घर के किसी काम के लिए मार्केट जाना चाहिए तो खुद जाने से मना कर देती। क्यों, क्या वो जिम्मेदार नहीं? पर उसके पति की यह दादागिरी समझ में नहीं है। इट्स एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड। यस यू आर राइट मिस्टर किशोर। यस मिस्टर किशोर। विवेक आपको भी अपनी सहेली से कह देना चाहिए था, अगर वो अपने पति की बात से जनरली कन्विंस्ड है तो ठीक है, वरना उसने मना कर दिया तो आप मुन करके मान लिए तो गलत बात है, उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए था। भाभी जी तू खड़े खड़े क्या कर रही है, यहाँ पर हाईवे पर का डिस्कशन चल रहा है, इसे टीवी पर आता है, चल अंदर जा। नहीं नहीं यहीं पे रहो हेमा। क्या अंदर जाने का कारण पूछेंगी मेरे से? नहीं नहीं मैं जाती हूँ। चल हेमा निकल। देखो भाई हमारे घरों में तो आज भी भारतीय संस्कृति के हाई स्टैंडर्ड चलते हैं, और के पति को देवता मानती है। देवता देवता? ऐसा देवता जो बात बात पर पत्नी की ऐसी पिटाई करे कि शरीर पर निशान छोड़ दे? क्या कहना चाहती हैं आप? सुरेश देखो यार बराबरी का जमाना है, हम जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, क्यों दिव्या जी? एकदम सही, औरतों को भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने और अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार है। हाँ क्यों नहीं, शाम को सब्जी क्या बनानी है, भिंडी बनाने या करेले बनाने, बर्तन गर्म पानी से धोने या ठंडे पानी से, सारे निर्णय तो वही ले सकती है ना। हाँ तो फिर तो आप भी ये निर्णय ले सकते हैं, भारत पाकिस्तान से लड़ाई करेगा या नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी जाएगा या नहीं जाएगा। सही कह रही है। असले बेटा अभी शादी नहीं हुई है ना, नहीं तो चकड़ चकड़ करना भूल जाएगा, समझा? हम लोगों के सामने क्या पूछ रहे हो, बात तो पूछ ले। हाँ हाँ
उसको यहाँ पर आने के लिए बोला कि नहीं बोला? ओह गॉड, क्या हुआ? ये देखा आपने? क्या? अरे ये पढ़िए, एक आदमी की हवालियत, एक आदमी ने अपने औरत के टुकड़े टुकड़े करके उसको तंदूर में जला दिया। ब्रुटेलिटी, सो मच ब्रुटेलिटी। क्या कोई पति अपनी पत्नी को ऐसे तंदूर में जलाता? कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? अरे बैड कैरेक्टर की नहीं होगी साली, जला दिया ससुरी को। अरे चुप रहो यार, ऐसी दरिंदगी और ऐसी हैवानियत को पर्दे की आड़ में नहीं छुपाया जा सकता। बेहूद तर्कों से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उस आदमी को बीच चौराहे पे ले जाकर गोली मार देनी चाहिए। गोली किस किस को गोली मारेंगे, किस किस को सजा देंगे? अरे ये तो सिर्फ एक मामला था, एक एग्जाम्पल। ऐसे तो ना जाने कितनी ही औरतें अपने घर की चार दीवारी से बने तंदूरों में लगातार जिंदा चल रही है। कहाँ है ऐसा तंदूर, कहाँ है? एक तो यही है। किताबों में पढ़ते पढ़ते और बेमतलब के डिस्कशनों को सुनते सुनते मैं उब चुकी थी। तो तुमने इन बातों को इतने कन्विक्शन के साथ कहा कि अचानक ही मुझे ये सारी बातें व्यवहारिक लगने लगी। मैं ये सोचकर बहुत खुश थी कि आखिर तक मैंने एक ऐसे पुरुष का साथ पा लिया जिसके साथ मेरे व्यक्तित्व को सार्थकता प्रदान करेगा। गंभीरता के साथ साथ तुम्हारी खुशमिजाजी, तुम्हारी पर्सनैलिटी की खासियत और हमारी मुलाकात कुछ छोटी और कुछ बहुत बड़ी। Yeah.
हमेशा लेट हो जाती है। किशोर कहाँ रहेगी तुम्हें? क्लोजर आई। व्हाट? बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। अच्छा ये लो। नाउ गिव मी योर हैंड। हाँ कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट? हाँ। ओ राखी तो नहीं बांध रही? चीटिंग नहीं करना। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग। देखो तुम चीटिंग कर रहे हो। चलो ठीक है। चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। ये एक बार की बात मान लिया तो जितना भी कहा पर है क्या? बस है। अब इसको तुम रखो। वाह दिव्या, ये तो बहुत अच्छी वॉच है। थैंक यू। दिव्या, कैन आई डांस विद यू? ऑफ कोर्स। बाय बाय। अभी तो आपके सामने से निकला था। तुम भी ना किशोर, बस झूठ बोलते रहते हो। रहने दो, ऐसा भी कभी होता है क्या? अरे नहीं दिव्या, तुम्हारी कसम, सच कह रहा हूँ, ऐसे ही हुआ था। रहने भी दो अपनी ये कसम बसम, कहीं तुम झूठ बोल रहे हो अपना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं पर आज तक हुआ नहीं ना। यू दिव्या नहीं चलो, मारना नहीं दिव्या नहीं, दिव्या नहीं। अरे बाबा यहाँ बैठ। मैंने तुम्हें वो फिल्म हॉल वाली बात बताई? नहीं तो कौन सी? नहीं तुम रहने दो, फिर तुम कोई शरारत भरी बात सुनाओ। अरे नहीं ये भी कच्ची बात है। अच्छा चलो सुना। देखो हुआ क्या कि दो दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ मेरी पास में थिएटर में फिल्म देखने गया था। कौन सी दोस्त थी वो? यार दिव्या हमें तो शक ही करती रहो, कौन सी दोस्त थी वो? दोस्त था। अच्छा बात सुना। सुना? देखो मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया, हॉल की सारी लाइट्स बंद थी। फिर? एक महिला अंधेरे में सीट टटोलते टटोलते हुए मेरे सामने खड़ी हो गई। अच्छा? हाँ? फिर अपनी पिक्चर दिखना हो गई बंद। वो तो होना ही था। हाँ? फिर मैंने उस महिला से बड़ी सभ्यता से कहा, अम्मा जी जरा सामने से हटो ना। मेरा ये कहना था मानो 10,000 बमों की लड़ी में एक ताक लगा दी गई हो। और वो महिला स्टीरियोफोनिक स्वर में चिल्ला कर बोली, मरे लिए मैं क्या तुझे तेरी अम्मा नजर आती हूँ। अरे हाँ यही तो कहा था। और पता है जब इंटरवल में बाहर निकला तो क्या देखा? 60 साल की औरत। हाँ नहीं लेकिन तुम्हें कैसे पता? बस मेरा थर्ड सेंस काम किया। नहीं होता तो 6 है ना, बट मेरा थर्ड करता है। लड़कियों का होता होगा। अरे वाह दिव्या क्या पढ़ रही हो आज? देख लो विवेकानंद। यस वाह दिव्या, जब भी तुम्हारे पढ़ने के लेवल को देखता हूँ ना बड़ी खुशी होती, इसी से तुम्हारे सोचने और समझने में इतनी गहराई है। रहने भी दो ये बस का बात है, मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है। क्या मतलब है? कॉफी पीनी है ना? हाँ दीदी कॉफी तो पीनी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना वो सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पढ़ने की चॉइस सचमुच आम लड़कियों से हटकर। ओके बाप थैंक यू। ओ मोहतरमा ये थैंक यू वैंक यू से काम नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये बैठो मैं तुम्हारी कॉफी बना के ला। नहीं लेकिन कॉफी तो बना के ला रहे हो तुम, लेकिन कॉफी में चीनी थोड़ी कम डालना। ठीक है एक काम और, यहाँ बैठे बैठे वेट करो कॉफी का। हाँ। और ये सोचो कि मेरा मतलब क्या था। आओ तुम बताती हूँ मैं।
नाचना वाचना। अच्छा तो क्या सिर्फ नचाना आता है? नचाना किसको? चलो बोलो मत, सब खबर है। अरे बाबा तुझे खबर नहीं होगी तो किसको खबर होगी, तेरा धंधा हुआ आज तक का स्टूडियो हो गया, जब पूरे शहर की खबरें वहाँ होती है तो फिर मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ। हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट तो हमारे पति देव है, जितनी तगड़ी निगरानी वो तुम्हारे घर की रखते है ना, उतनी तो भारतीय सेना अपने बॉर्डर की भी नहीं रखती होगी। तभी तो आतंकवादी अपने बॉर्डर से बेधड़क आते जाते रहते हैं। लेकिन हमारे इनकी निगाहों से तुम्हारे घर से कोई बचकर नहीं जा सकता। फिर तो मुझे पीछे की दीवार तोड़वा के वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा बनवाना पड़ेगा और ये वहाँ भी गलती का ठेला लगा कर बैठ जाएगा। आदमी आदमी एक अंधा गहरा कुआं होता है जो सदा प्यासा रहता है। किशोर तुम्हारी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई है जो दूसरों की भावनाओं की गलत
सच किशोर, तुम कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई चॉइस। यस, बट व्हाट चॉइस? चॉइस चॉइस ऑफ अ फ्रेंड। यू चीटर, यू आर फ्रेंड। तुम बात कर बढ़ती है और संबंध भी गहराते हैं। मैं अपने समूचे मन से तुम्हें चाहने लगी थी। मेरी कल्पना के बगीचे में आशा के छोटे छोटे फूल खिल उठे थे। पलके उठाती तो रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई देता और पलके झुकाती तो सूर्य की किरणों में झिलमिलाता पानी दिखाई देता। मेरी जिंदगी में रंग ही रंग भर गया था। मैं खुश थी, बहुत खुश थी कि अचानक एक दिन किशोर, तुम भी ना एक हो चुकी ना। चलो बैठ। अब दिव्या दीख रहे के हाथ की यहाँ बैठो, यहाँ 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 दिव्या दीख रहे के हाथ की बनी गर्मा गर्म कॉफी का मजा। हाँ आप भी उठो। क्यों ये देवदास बने हुए हो तुम? दिव्या मुझे ये कहना है कि ओह गॉड मैं गैस बंद करना भूल गई। अभी आई दो मिनट में। हाँ तो अब बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? दिव्या, दिव्या तुम जानती हो ना कि मैं
तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सच किशोर, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बस यही कहना था क्या? नहीं दिव्या, दरअसल बात ये है। बोलो दिव्या। बात ये है कि दिव्या, मैं अपनी मंगेतर के साथ संबंध तोड़कर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा फिर से कहना? मैं अपनी मंगेतर के साथ संबंध तोड़कर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी मंगेतर? आर यू सीरियस? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी मंगेतर है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारी सगाई पहले ही किसी से हो चुकी है। ये बात कभी नहीं कही। दिव्या, मैं कैसे कहता? कभी मौका नहीं, कभी हिम्मत नहीं। वाह, मौका नहीं मिला, हिम्मत नहीं हुई, दूसरी सारी बातें कहने का तुम्हें मौका मिला। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, फिजिकल रिलेशन, सारी बातें तुमको कहने का मौका मिला, बस एक जरूरी बात कहने का मौका नहीं मिला, या कहना नहीं चाहते थे मिस्टर किशोर? दिव्या, दिव्या मेरा यकीन करो। दिव्या, दरअसल मैं अपनी कही हुई बातों के बड़े बड़े जालों में उलझ गया था। तुम्हारे मन में मेरी एक ऐसी ऊंची छवि बन गई थी जिसके टूटने की बात से भी डर लगने लगा। दिव्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम मेरा यकीन मानो, वो जो मेरी मंगेतर है उससे मेरा कोई लगाव नहीं। तुमसे मिलने के बाद तो कभी मिला भी नहीं, सच कहता हूँ दिव्या। कब हुई थी तुम्हारी सगाई? कोई दो साल पहले। दो साल हो गए? वो सगाई मेरी मर्जी से नहीं हुई थी दिव्या। वो लड़की ना मुझे तब पसंद थी ना अब, घर वालों के दबाव में आकर करनी पड़ी थी। तुमसे मिलने के बाद तो मेरे सपने ही बदल गए। मुझे लगा तुम ही मेरे योग्य थे। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ दिव्या, सिर्फ तुमसे। ओह, तो ये बात है। क्यों किशोर, ऐसा नहीं हो सकता? कल को मुझसे बेहतर तुम्हें कोई और मिल जाए, तुम्हारे सपने एक बार फिर बदल जाए। नहीं दिव्या, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार के संबंध में आदमी और औरत। प्लीज किशोर, प्लीज आप ऐसी बातें ना ही करो तो बेहतर है। आदमी औरत का संबंध चाहे कुछ भी हो, एक संबंध मानवता का भी होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि दो साल तक तुमने जो अरमान एक लड़की के दिल में जगाए हैं, उन अरमानों को कुचलने की इजाजत मैं तुम्हें हर केस नहीं देती। मैं तुमसे शादी करने से इनकार करती हूँ। दिव्या, दिव्या प्लीज छोड़ो मुझे। दिव्या, इतनी कठोर मत बनो। कठोर मत बनो, कठोर कठोर तो बन नहीं होगा किशोर। अपनी खुशी के लिए मैं किसी दूसरी स्त्री के अधिकारों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। किशोर, किशोर ये क्या हो गया? हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई? किशोर, तुम कहते थे ना कि हम एक हैं, फिर कैसे कैसे तुम ये बात मुझसे छिपा गए? किशोर, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुमने अपने मंगेतर होने की बात मुझसे छिपाई, बल्कि मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मेरा किशोर भी औरों जैसा निकला, उतना ही पाशविक, उतना ही आत्म केंद्रित, सिर्फ अपनी सोची और किसी की नहीं। जाओ जाओ किशोर जाओ। हमें दिव्या इतनी कमजोर नहीं हुई है कि ये झटका बर्दाश्त ना कर सके। और हाँ, ये कोई अंत नहीं है, हम फिर मिलेंगे। सुना तुमने, हम फिर मिलेंगे, मगर अब की बात दोस्तों की तरह। दिव्या, मेरी बात सुनो। आउट। काली रंग से मुझे कुछ याद आ रहा है।
था किशोर तुमने मेरे गोरे रंग की तारीफ करते हुए। दिव्या, हरा रंग कितना गोरा है, कितनी सुंदर लगती हो। पता है, हमेशा से गोरे रंग को लेकर मेरी एक ग्रंथि रही, ना जाने भगवान ने मुझे तुम्हारे जितना गोरा रंग क्यों नहीं। सच अब समझ में आता है, मेरे शरीर का ये रूप रही तुम्हारे आकर्षण का केंद्र रहा, और मैं पगली ये समझती रही कि शायद तुमने मेरे दिल के भीतर झांक कर मेरी गहराइयों को पहचान लिया। किंतु किशोर, सच मानो, अगर तुम शुरू से ही मेरे सामने अपनी सच्चाई के सामने आते हो तो मुझे इतना बुरा ना लगता जितना कि मुझे आज लग रहा। कम से कम तुम्हारे आकर्षण का केंद्र तो स्पष्ट होता, उस पर किसी लफाजी का पर्दा तो ना होता। इस घटना के कुछ समय बाद एक और युवक से मेरा परिचय, मेरे मम्मी डैडी ने ढूंढा था उसे, आया था मेरे घर ताकि शादी से पहले वो भी मुझे अच्छी तरीके से देख सके। जासूसी करता नहीं होऊंगा,
ना ही गले के कांटे देख देख कर उसके आने जाने का हिसाब रखूंगा। क्या बात है, आपके भी अपने कुछ अपेक्षा होंगी अपने होने वाले जीवन साथी से? यकीनन, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरी पत्नी मेरे किसी भी काम में दखलंदाजी ना दे। दूसरी बीवी की तरह खोद खोद कर ये ना पूछे कि कल रात कहाँ थे, दो दिन से क्यों नहीं आयो घर, लड़कियों के साथ क्यों घूमते हो, वगैरह वगैरह। क्या बात है, बड़े आजाद ख्याल हैं आपके। वो तो है। तुम बहुत
की परछाई देखना चाहती हो दिव्या? इतनी हवानियत और इतने गहरे निशान, मन पर तो इससे भी गहरे निशान है दिव्या। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस राक्षस को। I will call the police. Disgusting, shameful. किशोर,
किशोर याद है तुम्हें तुम्हारे मंगेतर के विषय में जानने के बाद हुई हमारी किसी पहली मुलाकात में मैंने तुमसे कहा था, किशोर किशोर हम मित्र ही ठीक है, तुमने जिसको साथ निभाने का वचन दिया है उसी के रहो। एक बार अपने मुंह से निकले वचनों पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ, मेरी नजरों में तुम उठ जाओगे किशोर। सच मानो मैं अपनी नजरों में एक एक ऐसे पुरुष को देखना चाहती हूँ जो नारी की अस्मिता और स्वतंत्रता की अमूर्त बातों को जीवन प्रदान कर सके। उस समय तो तुम मान गए थे, क्योंकि उस वक्त का तुम्हारा ये मानना अपनी शर्म को छुपाने भर था। नारी के समक्ष अपनी हार को छुपाने वाले पुरुषों का घायल अहम भाव। कुछ भी कर लो, कुछ भी सोचो, आखिरकार तुम्हें हम में से एक को चुनना ही होगा। यही तुम्हारी नियति है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से समझौता हरगिज नहीं करूंगी। मैं तुम लोगों से कभी हार नहीं मान सकती। मुझे मुखौटे नहीं चुनने हैं, सुना तुम लोगों ने, नहीं चुनने हैं। बस द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन खुशबू चौबितकर द्वारा किया गया। खुशबू चौबितकर जी से हमारा आग्रह है कृपया मंच पर ही रहें।
नाटक के सभी पात्रों से भी हमारा निवेदन है, कृपया मंच पर ही रहें। पात्र परिचय इस प्रकार है: दिव्या प्रीति श्रीवास्तव, किशोर संदीप पाटिल, हेमा संचिता श्रीवास्तव, सुरेश मुकेश पाचौड़े, अजय विनीत सागर, राधा स्वर्णिमा सिंह, मंच व्यवस्थापक अनिल संसारे, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, मंच निर्माण सपना अग्रवाल, आयुष्मान तिवारी, मंच निर्माण सहायक अभिषेक आनंद, पीयूष श्रीवास्तव, मंच सामग्री आनंदम मालवीय, राहुल चौहान, अंकित मुखारिया, वेशभूषा रूपा सोनी एवं दीक्षा प्रजापति, रूप सज्जा सूर्य प्रताप सिंह, हिना मंसूरी, अदा अग्रवाल, ब्रोशर अंकुर राव सूर्यवंशी, प्रचार प्रसार पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, हर्ष अग्रहरी, प्रॉपर्टी निर्माण कपिल भरत जेठवानी, संगीत संयोजन प्रकाश परिकल्पना रवि अर्जुन, प्रतीक गढ़पाले, संदीप चौधरी, सपना अग्रवाल, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन योगेश तिवारी, लेखक संजीव निगम, सह निर्देशक मुकेश पाचौड़े और नाटक का निर्देशन किया खुशबू चौबिकर। आज की नाटक प्रस्तुति के अवलोकन के लिए हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक श्री संजय उपाध्याय जी। श्री संजय उपाध्याय जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए एवं कलाकारों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका उत्साह वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय उपाध्याय जी। हम आपको बताना चाहेंगे की और मूलतः ही अभिनेत्री हैं, लेकिन
धीरे 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 इन्होंने जब स्ट्रगल किया तो निर्देशन भी करने लगे और मुझे लगता है कि ये इनका पहला प्रयास है इतने बड़े बड़ी टीम को लेकर काम करने का। तो ये पहला प्रयास है तो इस मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। धन्यवाद श्री संजय उपाध्याय जी। हम आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश जनजाति